बड़ा लगन तुने मासु काटी यू तेरु फंजर माता रोलू बाटी तुक वेगी माता गणेश ही प्यारू आज मेरी माता कुई निरे सारू उड़ी गे कार्तिक बैठी गे मोर माँ उड़ी गे कार्तिक बैठी गे मोर। तो भगवान कार्तिक इसलिए अपने माता पिता से नाराज हो जाते हैं कि देखो मैं इतनी मेहनत से मुर्गन की सवारी करके इतनी पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने पे पता नहीं कितने दिन लगे होंगे कितने। जय कार्तिक स्वामी। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है आरती रावत। मेरा गांव रुद्रप्रयाग जिले के खूबसूरत गांव पाली सिमरी से। तो अभी आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है कार्तिक स्वामी के धाम से। तो हम लोग आ रखे हैं कार्तिक स्वामी मंदिर में, जैसे कि आप लोगों ने मेरे अगली वाली वीडियो में भी देखा होगा। तो यहां के नज़ारे देख सकते हैं, वे बिल्कुल बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। और कार्तिक भगवान जी शिव जी और पार्वती के ज्येष्ठ पुत्र हैं और दूसरे नंबर के पुत्र हैं गणेश भगवान जी। तो कार्तिक भगवान जी अपने माता पिता से रुष्ट होकर आ गए थे क्रौंच पर्वत में, जो कि पड़ता है हमारे रुद्रप्रयाग जिले में। कार्तिक स्वामी की यात्रा रुद्रप्रयाग से शुरू होती है, चुपता घिमतोली होकर आते हैं कनक चौरी, और कनक चौरी से कार्तिक स्वामी मंदिर तक पैदल पैदल यात्रा आनी पड़ती है। और अभी यहाँ पे जल यात्रा थी कल, तो हम लोगों का जल यात्रा के दिन आना नहीं हुआ है, तो दूसरे दिन में हम यहाँ रखे हैं। बाकी यहाँ की बहुत ही प्यारी लोकेशन है। तो गणेश भगवान और कार्तिक भगवान जी शिव पार्वती के पुत्र हैं। तो मतलब पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि कार्तिक भगवान जी अपने माता पिता, जिसको मतलब पहले पूजा अधिकारी का दर्जा दिया गया था गणेश भगवान जी को, कि मतलब जो सबसे पहले इस पृथ्वी के पूरे चक्कर मार के आएगा उसी वही पहला पूजा का अधिकारी होगा। तो गणेश भगवान जी तो चूहे में बैठ करके अपने माता पिता की परिक्रमा की, तो पहला पूजा का अधिकार उनको दिया गया। और कार्तिक भगवान जी मयूर में बैठ कर मुर्गन की सवारी भी, जिसको हम बोलेंगे, तो मोर में बैठकर करते रहे, चारों धामों के चक्कर मारते रहे कि कब मैं इसकी परिक्रमा करके अपने माता पिता के चरणों में सबसे पहले जाऊंगा। तो गणेश भगवान जी तो वहीं पे घूमे कि चारों धाम तो मेरे माता पिता के इर्द गिर्द हैं, तो माता पिता से बढ़कर कोई नहीं होता है। तो इसी बात पर जब तक कार्तिक भगवान जी पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके जाते हैं, तब तक गणेश भगवान जी कब के अपने माता पिता के पास बैठे रहते हैं और पूजा का पहला अधिकार भी उनको दिया जाता है। तो इसी वजह से भगवान कार्तिकेय अपने माता पिता से रुष्ट हो जाते हैं और रुष्ट होकर के कैलाश पर्वत के इस छोर पर आ जाते हैं। भाई कार्तिक भगवान जी अपने मतलब मांस छील देते हैं, यहाँ पे इतना क्रोध आ जाता है उनको, अपना मांस छील देते हैं। दो लाइन अपने गीत के माध्यम से भी आप लोगों को सुनाती हूँ। भगवान कार्तिक अपने माता पिता से इतने ज़्यादा नाराज हो जाते हैं, वो अपना पूरा मांस छील देते हैं और हड्डियों का ढांचा ही बच जाता है। तो गीत कुछ इस प्रकार से है। लुए छड़ा लगन तुने मासु काटी यू तेरु फंजर माता रोलू बाटी तुक वेगी माता गणेश ही प्यारू आज मेरी माता कुई निरे सारू उड़ी गे कार्तिक बैठी गे मोर माँ उड़ी गे कार्तिक बैठी गे मोर माँ कनन स्वामीनाथ कैलाश छोड़ माँ आज मेरी माता देव वीर उठी गे कैलाश ही वालो सदक छुटी गे कैलाश ही वालो सदक छुटी गे वे छड़ा लगन तने मासु काटी यू तेरु फंजर माता रोलु बाटी। तो भगवान कार्तिक
इसलिए अपने माता पिता से नाराज हो जाते हैं कि देखो मैं इतनी मेहनत से मुर्गन की सवारी करके इतनी पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने पे पता नहीं कितने दिन लगे होंगे, कितने माह लगे होंगे। और गणेश भगवान को आपने लाडले पुत्र को यहीं पे घुमाया और सबसे पहले पूजा का अधिकार भी उसी को दिया। तो आज से माँ में अपने माँ से बोलता है कि तुमको गणेश ही प्यारा हो गया है। तो बच्चे होते ही ऐसे हैं, वे माँ के लिए हमेशा छोटा वाला बेटा प्यारा होता है, बल ज्यादा बताया जाता है। लेकिन कार्तिक भगवान जी बहुत ज्यादा रुष्ट हो जाते हैं, अपने माँ से बोलते हैं तुझे तो गणेश ही प्यारा है और अब हमेशा के लिए मैं कैलाश पर्वत को छोड़ दूंगा। तो करते हैं मुर्गन की सवारी और आ जाते हैं कैलाश पर्वत के एक छोर से दूसरे छोर पर, हमेशा के लिए हिमालय कैलाश पर्वत को छोड़ देते हैं कार्तिक भगवान जी। इतना गुस्सा हो जाते हैं अपने माता पिता से। कार्तिक भगवान जी क्रौंच पर्वत पे आते हैं तो अब बिना बताया आते हैं, गुस्से में आते हैं। तो उनकी माता को बहुत चिंता होती है, माँ पार्वती शिव जी से बोलती है हे स्वामी निर्दय निठुर निवारो बाला की संत खबर लगा दो, हे स्वामी नाथ भोले नाथ सुना मेरु कार्तिक बड़ी नी आई। तो एक माँ को कितनी चिंता होती है अपने पुत्र की, लेकिन कार्तिक भगवान जी तो इतने क्रोध में आ जाते हैं कि तब दोबारा कैलाश पर्वत पे नहीं जाते हैं, हमेशा के लिए क्रौंच पर्वत पर बस जाते हैं। दोस्तों अभी हम लोगों के नीचे वाले साइड पे बहुत प्यारी लोकेशन है, यहाँ पे स्वामीनाथ जी मंदिर के नीचे से। तो यहाँ पे थोड़ा सा दीदी लोगों के साथ फोटो शूट कर रही है। तो ये बोली कोट कह रहा है कन्ना देख ये चल दिल बनो ना यार दिल दिया बनो ना यार ना यार वो चल अच्छा दिल अच्छा हां यार देव यार चल कर हां यू भाई आजकल लोग अलग अलग स्टाइल से फोटो ले रहे हैं। चल हम लिखे ना दिल 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 बनो जो बोलो जो हो रहा है दोस्तों दोस्तों बन गया है रे हमारा दिल दिल पे देखते हैं दिखाई भी देखो दोस्तों देखो भाई। देख सकते हैं भक्तों की बहुत ज्यादा भीड़, तो हमने भी ले लिया है यहाँ से तिलक। देखो भाई हेलो जय कार्तिक स्वामी हाँ जो तो हमने भी फाइनली तिलक भी ले लिया है, दर्शन भी अच्छे से कर लिए हैं। तो अभी यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर भी मिल गए हैं जो कि सॉरी गांव से हैं और वीडियो भी देखते हैं ना। सासु माता किसकी अच्छा आ रहा है तो मुझे ना लग रहा है तुम।
तो ये हैं भाई मुरुगन स्वामी जी, मोर की सवारी करते हैं कार्तिक भगवान जी। तो ऐसे ही मोर पे बैठ करके आए थे कार्तिक भगवान जी कैलाश पर्वत के छोर पर। अभी कार्तिक स्वामी के मंदिर से हम लोग जाने की तैयारी, प्यारी प्यारी और भाई भाई अभी एक जाम थोड़ा देर पहले। अच्छा अच्छा, दर्शन में ठीक हवन होड़ बैठी तब हम पहुंचे। हमारे बड़ो सोभा कह रहे मतलब पहली बार इतनी चढ़ाई चढ़ी मेरे पता नहीं चली। और आप लोगों को भी बहुत बहुत बाबा कार्तिक सब लोगों की मनोकामना पूर्ण करे। और हमारी बहन आती जो लगातार कहीं भी जाए कोई देव देवता हो मायनों की शादी हमारों हो सबका साथ दे। तो अभी हमारे साथ के लोग यानी कि दीदी लोग नंद जी लोग चले गए हैं आगे आगे, मेरे साथ पीयूष और अनु हैं। तो कार्तिक स्वामी की यात्रा वैसे बेटों के साथ में आना जरूरी होता है, बल बेटों के साथ करनी चाहिए। बल कार्तिक स्वामी की यात्रा आयुष तो घर पे नहीं था लेकिन पीयूष और अनु मेरे साथ आए भाई, तो मैंने भी बेटों के साथ की है कार्तिक स्वामी की यात्रा। तो चलते हैं हम भी फटाफट से, अब दौड़ लगाते हैं भाई। पीयूष तो इतनी जल्दी भागा ना आते समय भी, हमें भरोसा भी नहीं था इतना चलेगा, लेकिन देखो भाई अभी भी दौड़ रहा है। कार्तिक स्वामी के मंदिर में घर जाते समय कुछ इस तरह से पत्थर रखे जाते हैं, पत्थर के ऊपर पत्थर, तो मन्नत मांगने के लिए ये पत्थर रखे जाते हैं। जब पूरी हो जाती है दोबारा फिर आते हैं भाई, ये देखो इसके ऊपर पत्थर। तो मैंने भी बहुत सारी मन्नतें मांगी हैं, आज जब सारी मन्नतें पूरी हो जाएंगी तो मैं भी फिर से आऊँगी भाई कार्तिक स्वामी जी के दर्शन करने के लिए, है ना। तो अब चलते हैं घर की ओर, 2:30 बजे का टाइम हो गया है। वैसे तो आए भी हम देरी में थे, 10-11 बजे आए थे, तो जल्दी से फटाफट से आए, दर्शन भी हो गए अच्छे से और घर की तैयारी भी बहुत जल्दी। तो अभी हम लोग भी आ गए हैं कार्तिक स्वामी से वापस घर के लिए कनक चौरी बाजार में, और आगे से बैठेंगे गाड़ी में। तो सुबह के टाइम पे जिस समय हम यहाँ से जा रहे थे उस समय यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और अभी यहाँ पे खाली खाली हो गया है। बाकी यहाँ की यात्रा 12 महीने चलती रहती है, ऐसा नहीं है कि कभी चलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे सब्सक्राइबर भी मिल गए हैं भाई। तो भाई हमारी आज की यात्रा भी बहुत अच्छी रही, सब लोगों को बहुत अच्छा लगा कार्तिक स्वामी के धाम में आकर। तो अब बोले कार्तिक स्वामी का आशीर्वाद रहेगा तो अगले साल भी आएंगे जगी के टाइम पे। तो फिलहाल आज की वीडियो को अब यहीं पे क्लोज करते हैं, बहुत जल्दी मिलेंगे आप लोगों को दूसरी वीडियो के साथ, है ना। जय कार्तिक स्वामी।